अर्जुन महाभारत का वह योद्धा जिसने अपने तीरों से युद्ध के मैदान में अजेयता की मिसालें कायम की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्जुन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य कौन था? भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन को महाभारत में वो मार्ग दिखाया जो उसे विजयी बनाते थे। लेकिन अब सोचिए, अगर अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो क्या वह उतने ही महान योद्धा होते? कितने युद्धों में उन्होंने बिना भगवान श्री कृष्ण के अकेले ही विजय प्राप्त की थी, क्या वह तब भी अजय थे? इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे बस कुछ ही पलों में। तो इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ बने रहें, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही और कहानियों से आप जुड़े रहें। दोस्तों, अर्जुन महाभारत के महान धनुर्धरों में से एक माने जाते हैं। उनकी वीरता और युद्ध कला की चर्चा आज भी होती है, लेकिन जब भी अर्जुन की बात आती है तो श्री कृष्ण का नाम स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है। महाभारत में अर्जुन की जीत का सबसे बड़ा कारण श्री कृष्ण की सलाह और उनका मार्गदर्शन माना जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने, और उन्होंने न केवल अर्जुन का रथ चलाया बल्कि उनके मन और आत्मा को भी सही दिशा में ले गए। पर एक सवाल हमेशा मन में आता है कि क्या अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण की मदद से ही युद्ध जीते थे? क्या अर्जुन में वह क्षमता नहीं थी कि वह अकेले अपने दम पर युद्ध जीत सके? महाभारत का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि अर्जुन ने कई युद्ध श्री कृष्ण के बिना भी लड़े और उनमें विजय प्राप्त की। यह जानना रोचक होगा कि अर्जुन ने कितने और कौन से युद्ध बिना श्री कृष्ण के जीते थे, और उन युद्धों में उनके सामने कैसी चुनौतियां थी। महाभारत के युद्ध में पहले भी अर्जुन ने कई युद्ध लड़े थे, और उनमें से कुछ में श्री कृष्ण मौजूद नहीं थे। उदाहरण के तौर पर, जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को गुरु दक्षिणा में राजा द्रौपद को हराने का आदेश दिया था, इस युद्ध में अर्जुन ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए द्रौपद को पराजित किया और उन्हें बंदी बनाया। यह युद्ध अर्जुन ने बिना श्री कृष्ण की सहायता के लड़ा था। इसके अलावा एक और युद्ध जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो अर्जुन ने ब्राह्मण भेष में स्वयंवर में भाग लिया था, और उस समय श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित नहीं थे। अर्जुन ने द्रौपदी का हाथ जीतने के लिए कठिन धनुष यज्ञ में भाग लिया और उस धनुष को उठाकर लक्ष्य को भेदा। यह अर्जुन की अद्भुत धनुर्विद्या का प्रमाण था। उस समय उन्होंने अपनी योग्यता से द्रौपदी को जीता और यह साबित किया कि वह अपनी शक्ति और कौशल के दम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण युद्ध जिसमें अर्जुन ने बिना श्री कृष्ण की सहायता के विजय प्राप्त की, वह था खांडव वन का युद्ध। यह युद्ध तब हुआ जब अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ इंद्रप्रस्थ राज की स्थापना की थी। अर्जुन ने अग्नि देवता की खांडव वन को जलाने का निर्णय लिया था। इस युद्ध में अर्जुन को इंद्र सहित कई देवताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने अद्वितीय युद्ध कौशल से इस युद्ध में जीत हासिल की। श्री कृष्ण इस युद्ध में अर्जुन के साथ नहीं थे। इसके अलावा अर्जुन ने विराट युद्ध में भी बिना भगवान श्री कृष्ण के आदित्य पराक्रम का प्रदर्शन किया। जब पांडवों को अज्ञातवास के दौरान विराट नगरी में रहना पड़ा तो अर्जुन ने बिहंडला का रूप धारण किया था। उस समय कौरवों ने विराट नगरी पर आक्रमण किया था ताकि पांडवों को पकड़ सके। तब अर्जुन ने अकेले अपने दम पर कौरवों की विशाल सेना का सामना किया था और उन्हें हराया था। इस युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के साथ नहीं थे, फिर भी अर्जुन ने अपनी अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया और कौरवों को हार का सामना करना पड़ा। यह युद्ध एक बड़ा प्रमाण है कि अर्जुन अकेले भी युद्ध में महान पराक्रम दिखा सकते थे। दोस्तों, एक और युद्ध अर्जुन और भगवान शिव के बीच हुआ था। ये सबसे प्रसिद्ध युद्ध, यह युद्ध अर्जुन भगवान शिव से हार गए थे, महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। जब अर्जुन तपस्या कर रहे थे, यह घटना तब हुई थी जब पांडवों को वनवास मिला था और अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया था। इस तपस्या के दौरान उनका सामना भगवान शिव से हुआ।
जो एक शिकारी के रूप में प्रकट हुए थे। वनवास के दौरान अर्जुन को यह एहसास हुआ कि भविष्य में कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में उन्हें अत्यधिक शक्तिशाली अस्त्रों की आवश्यकता होगी। उन्होंने इन दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करने का निश्चय किया। सबसे पहले अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया ताकि वह पाशुपतास्त्र जैसा शक्तिशाली हथियार प्राप्त कर सके। जब अर्जुन भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहे थे, उसी समय एक राक्षस मुकासुर अर्जुन पर हमला करने आया। भगवान शिव ने एक शिकारी का रूप धारण कर इस राक्षस को मार डाला, लेकिन अर्जुन को लगा कि इस शिकारी ने उसकी लड़ाई का श्रेय छीन लिया है। इससे अर्जुन क्रोधित हो गए और उन्होंने शिकारी, जो वास्तव में भगवान शिव थे, से युद्ध करने का निश्चय किया। अर्जुन ने इस शिकारी पर तीर चलाए, लेकिन हर तीर को वह शिकारी आसानी से काट देता। यह युद्ध लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन अंततः अर्जुन समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब अर्जुन ने महसूस किया कि यह शिकारी भगवान शिव है, उन्होंने अपनी गलती समझते हुए तुरंत भगवान शिव से क्षमा याचना की और उनके चरणों में गिर गए। भगवान शिव अर्जुन की वीरता और उनकी समर्पण भावना से प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह एक सच्चे योद्धा है जिन्होंने पूरी शक्ति और धैर्य से युद्ध किया। उसके बाद भगवान शिव ने अर्जुन को दिव्य पाशुपतास्त्र अस्त्र प्रदान किया। यह अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली था और इसका उपयोग केवल अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण स्थितियों में ही किया जा सकता था। लेकिन जब महाभारत का युद्ध आया, तब परिस्थिति बहुत अलग थी। अर्जुन के सामने अपने ही परिवार, गुरु और दोस्तों से लड़ने की चुनौती थी, जो एक साधारण युद्ध से कहीं अधिक कठिन थी। इस युद्ध में उन्होंने केवल अपने हथियारों पर भरोसा नहीं करना था, बल्कि अपने मन को भी नियंत्रित करना था। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, कैसे मैं अपने ही बंधुओं के रक्त से सनी हुई भूमि पर विजयी कहलाऊं? ये विजय मेरे लिए एक हार से भी अधिक पीड़ादायक है। जब अपने ही परिवार के विरुद्ध खड़ा हूँ, तो यह धनुष बाण मेरे हाथों में बोझ बन गए हैं। मैं युद्ध करूँ या आत्मसमर्पण, दोनों ही मार्ग मुझे विनाश की ओर ले जा रहे हैं। यही वह समय था जब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देकर सही रास्ता दिखाया। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि उनका कर्तव्य क्या है और उन्हें भावनाओं में बहकर अपने निर्णय नहीं लेने चाहिए। दोस्तों, अब महाभारत की घटना तो हर एक इंसान को पता है। अर्जुन एक महान योद्धा थे जिनकी युद्ध कला अद्वितीय थी। उन्होंने कई युद्ध बिना श्री कृष्ण की मदद के भी जीते, जैसे कि द्रौपदी का स्वयंवर, खांडव वन का युद्ध। उन युद्धों में उन्होंने अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया। लेकिन यह भी सत्य है कि श्री कृष्ण का साथ उनके जीवन में विशेष महत्व रखता था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे जितनी भी प्रतिभा हो, सही मार्गदर्शन और सही समय पर लिए गए निर्णय ही सफलता की कुंजी होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही अद्भुत पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल विजडम जीके स्टडी 357M को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।